राम राम शब्द ने मैपिंग की नाला और तुम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिलहाल मौजूद हाँ विक्रम और पूनम के साथ, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में जो है रह रहे हैं पिछले 2 से 2.5 साल। कितना टाइम हो गया सर आपको? 2 साल से ऊपर हो गए इनको साथ में रहते हुए। फिलहाल इनका जो कैमरे पे आने का रीजन है वो है कि ये अपने मतलब रिस्क बता रहे हैं भाई, किसी न किसी पर्सन से इनको जो है रिस्क है, लड़ाई झगड़े का, दंगे का जो फसाद है इनका कुछ ऐसा है कि इन्हें गांव में जाने से जो है रोका जा रहा है। तो फिलहाल इनसे बात करते हैं, ये क्या बताते हैं, इनको किससे रिस्क है, कैसा रिस्क है, किस प्रकार जान का है, मारपीट का है या फिर किसी प्रताड़ना का है, वो बातें इनसे करेंगे। ज़्यादा शुरुआत नहीं जी, बताइए आज आप दोबारा से कैमरे के सामने आए हो, क्या वजह रही है जिसके कारण आज आपको दोबारा से कैमरे के सामने आकर के अपनी बातें रखनी पड़ी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं मेरे गांव में गया था, 2 दिन गांव में रहा, मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश की गई, मुझे गांव से निकालने जाने के लिए कहा 3-4 आदमियों ने, और मैं मेरे बूढ़े माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे गाँव में नहीं बढ़ने देते। 4-5 अन्य आदमी है, उनने ज़्यादा जोर मार रखा है, अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। कौन थे वो व्यक्ति, क्या कह रहे थे, आपके घर पर आकर के कहा है या किसी फ़ोन के माध्यम से आपको ऐसी बात की? वो गली में कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही तुझे मारेंगे। कौन थे वो व्यक्ति? एक तो दीवान पटवारी है, एक महेंद्र है, महेंद्र के घर पंचायत होती है, सारी इकट्ठे वहीं होते हैं महेंद्र के घर, एक मोर सिंह है, एक जिले सिंह, एक जुगलाल का प्रताप, ये है। आपने दोबारा से कोई प्रयास नहीं किया? नहीं जी, कोई नहीं किया। अगर आपके पति आते हैं या गांव में पंचायत वगैरह से किसी प्रकार से कोई समझौता होता है कि आप अपने पति के यहाँ चले? साफ ही मना कर रहे हैं, हम नहीं रख दे मुझे। अगर गांव में कोई पंचायत होती है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो पंचायत में निपटा लिए जाते हैं, अगर आपका ये मामला है पंचायत में निपट जाता है तो क्या आप अपने पति के घर वापिस जाएंगे? आपने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें दोबारा से अपने पति के यहाँ जाने की बात कही थी, क्या दोबारा से आपने कोई फिर से प्रयास किया है? क्योंकि उस समय वो आपने बताया था कि उन्होंने तो थाने में लिख के दे दिया है कि हम आपको नहीं रखते। मैंने अपने बच्चों में जाने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और ले जाने के साथ अब मना कर गया, मैं ले जाने जाता, जो गाँव में पंचायत होएगी नहीं फिर मैं सोचेंगे भी पंचायत के लिए भी क्या करना है। क्या कह के गए? ये नुकाय इकट्ठा हो जाओ सारे और बाहर निकले गली में आए तभी इसको मारेंगे। और इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन भी दी थी आज से 1-1.5 साल पहले एसपी साहब के लगाई थी, इसने मेरी गाड़ी का मैं ट्रैक्टर मारा था जबकि है, और दीवान मेरे खेत में जाके कह के आया था कि इससे खेत छुटवा ले, इसने 4 लाख रुपये दे रखे तो हम 8 लाख दे देंगे इसको, हम गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि ये व्यक्ति पहले से आपका विरोध कर रहे हैं? हाँ सर, उसे दीवान और प्रताप के खिलाफ तो मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी एसपी साहब के 4/11/2020 को लगाई थी। तो उस समय के बाद और अब के बीच में क्या दोबारा से आपके बीच में कोई बातचीत हुई हो, किसी प्रकार का कोई वैर विरोध हुआ हो? गांव में मैं जाता नहीं, गांव में मुझे बढ़ने नहीं देते, गाँव में जाता हूँ सभी विरोध करने की कोशिश करते, फिर मैं निकल आता हूँ रात को लेकर के आता हूँ। तो फिर अब दोबारा से आप कैमरे के सामने आए हैं? दोबारा से यही है कि भाई बैठ के मेरे साथ कोई बात की जाए, जो भी बात होगी गांव में भाईचारा खराब ना किया जाए। तो आपको लगता है कि इस मामले में जैसे आपने जो भी किया है इस मामले में गांव का जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है? ये मैं तो हम तो सहमति से गए थे, ये अब उसके परिवार के भी नहीं है, ये इसका इसको भड़का रहे है, दीवान पटवारी है, ये मैन है, ये भड़काने में है, ये नहीं होने देता, नहीं हमारा फैसला भी हो जाता, ये सभी को ये नटवाता है। आप क्या कहेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, भाईचारा खराब ना हो तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाईचारा हम खराब नहीं करना चाहते, रोहतास और रोहतास का भाई तो नुबले, हम नहीं आएंगे आगे, आज के बाद में हम जो भी होगा तेरा सहयोग देंगे, हम आगे नहीं आएंगे, उसके साथ भी नहीं लगेंगे कभी भी, और बैठ के आप बात कर लेंगे। ये रोहतास वही है जो पहले से आपका विरोध कर रहे थे? हाँ वो रोहतास है, उसने तो कह दिया था घर आके भाई हम नहीं आएंगे, भाई तू मेरे काम आया हुआ है हम तेरा ही साथ देंगे। किस प्रकार के काम आए हुए हो? इनको आपसरी में इनका झगड़ा हो गया था, परिवार परिवार जैसे गाँव से निकाले थे तो हमने इसका सहयोग दिया था, मैंने और मेरे परिवार ने रोहतास का सहयोग दिया था आज से 7-8 साल पहले। इस मामले में अगर प्रशासनिक
बात की जाए तो क्या ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है कि आपके साथ अब इस प्रकार से भेदभाव जो है वो हो रहा है? प्रशासन को अभी तो नहीं दिया, पहले तो काफ़ी दिए हुए हैं, मेरे साथ सारे पास फोटोकॉपी है, जितनी बार भी दिए हुए हैं, एसपी साहब के, अनिल विज के भी लगाई हुई है, आईजी साहब के भी लगाई हुई है कई जगह जी। बताइए इस पूरे मामले में अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? अंत में यही कहना चाहता हूँ, यो दीवान पटवारी है, यो ही सभी को भड़काता है, गांव में इसने एक दो और झगड़ा खुद करवाया हुआ है, ये सबसे आगे रहता है और ये ही अपने पद का दुरुपयोग करके सभी को लड़ाता रहता है। मेरी प्रशासन से ये अपील है, मेरे और मेरे परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो इसमें जो मैंने अभी नाम दिया ये जिम्मेदार है, दीवान पटवारी इसमें इसका अहम रोल है। अगर मेरे मेरे परिवार को कुछ होता है तो दीवान पटवारी मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। तो आप सब ने सुना इन्होंने क्या कहा और इन सब की बातों से आपको क्या लगा ये आप सब बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में, अपनी राय दीजिए इन्हें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से ये अपने बूढ़े माँ बाप के पास जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो हर गलती का कोई समाधान हो है तो उसके है हमारा माइंड बनाओ, इनका माइंड बनाओ, आप सब में अगर कोई सोल्यूशन न्यू दिख है भाई ये समाधान ये कर सकते हैं तो वो राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।